हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 अध्याय 1 है संख्या पद्धत, जिसमें डॉक्टर मनोहर रे की किताब है। इसमें हम पहले कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला दिया है हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें हमारी जो संख्याएँ आती हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर इसमें हमारा 1 के अलावा 0 भी होता है, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर आगे आएंगे पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर लिखते हैं। इसको या तो I से अथवा इसको Z से लिखा जाता है, और इसमें हमारी जो संख्याएँ आती हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये पूरी संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक। आगे आते हैं इसके नेक्स्ट, नीचे देखते हैं तो पूर्णांक के बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। पूर्णांक के बाद हमें क्या मिलता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में हमारे प्लस माइनस, यानी परिमेय संख्या को क्यू से लिखा जाता है, और इसमें जो संख्याएं आती हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट, उसके अलावा जो हमारी संख्याएं बटे के रूप में होती हैं ये भी हमारी इसमें आती हैं। माइनस में जो बटे होगा ये भी परिमेय होगा। जो दशमलव के रूप में संख्याएं होती हैं ये भी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और माइनस में जो दशमलव के रूप में होंगी ये भी परिमेय संख्याएँ कहलाएँगी। इसके साथ साथ अगर किसी संख्या का दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 2, 3, 2, 3, 2, 3 डॉट डॉट, तो ये पूरी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय कौन आता है? धन आएगा, ऋण आएगा, 0 आएगा, बटे आएगा, दशमलव आएगा, और रिपीटेशन वाले नंबर जो होते हैं ये भी हमारी परिमेय संख्याएँ होती हैं। आगे आएंगे तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पी से लिखते हैं, और इसमें रूट वाली संख्याएं आती हैं, जैसे कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5। किसी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। कर्णी में 6 हो जाएगा, कर्णी में 7 हो जाएगा डॉट डॉट, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक और संख्या आती है पाई, और उसके साथ साथ जिसका रिपीटेशन न हो, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 7, 3, 2, 4 अलग अलग अगर संख्याएं आती हैं तो ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। आगे आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आर से लिखते हैं, जिसमें हमारा परिमेय और अपरिमेय, सॉरी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। यानी इसमें जो आपका ये संख्याएं होंगी प्लस वाले, माइनस वाले, जीरो वाले, बटे वाले, दशमलव वाले, रिपीटेशन वाले, कैणी वाले, और पाई भी होगा, और ई रिपीटेशन सब मिला के हम क्या कहते हैं इसको? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर कहा जाता है। आइए अब इनको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से ये संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है ये प्राकृतिक संख्या होती है, और उसके बाद आता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, जिसमें एक संख्या 0 बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटीजर पूर्णांक, जिसको कहा जाता है। इसमें प्लस माइनस 0 तीनों आते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आएगा, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आएगा। फिर आगे आता है हमारा एक परिमेय संख्या होती है, जिसको आपने क्यू से लिखा। इसमें हमारा प्लस होगा, माइनस होगा, बटे होगा, 0 होगा, दशमलव होगा, और उसके साथ साथ रिपीट करने वाली संख्याएं भी होंगी। और जो अपरिमेय संख्या होती है वह बाहर होती है, जिसमें कर्णी वाली संख्याएं होती हैं। और इन दोनों परिमेय और अपरिमेय को मिला करके कहा जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या में ऊपर जितनी संख्याएं हमने पढ़ा ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। आगे आते हैं, अब हमारा वास्तविक संख्या के बाद आता है सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये हमारी सम संख्याएं होती हैं। इसमें माइनस वाली भी संख्याएं आ जाती हैं, -2, -4 डॉट डॉट, और इस सम संख्या को हम इवन नंबर यानी ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे आ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं हमारा सम संख्या के बाद क्या मिलता है, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं में हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और विषम संख्याओं में हमारा जो मान होता है 8 नंबर, इसमें आता है कौन कौन संख्याएं आ जाएंगी, यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा डॉट डॉट, और यही संख्याएं हमारी माइनस के रूप में भी होती हैं डॉट डॉट। ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं जिसको हम 8 नंबर कहते हैं। लगातार संख्याएं जिसको हम कंजेक्टिव नंबर कहते हैं, और ये संख्याएं हमारी जैसे एक x हो गई तो अगला x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2 होगा, अगला x प्लस 3 होगा, इस तरह से हमारा जो नंबर आएगा वो लगातार संख्या या कंजेक्टिव नंबर होता है। अर्थात जो प्राकृतिक संख्या होती है ये भी हमारा कंजेक्टिव नंबर कहलाता है। आगे आता है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर जिसको कहा जाता है। तो इस प्राइम नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो एक हमारा मिलता है 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 आएगा, 13, 17, 19, 23 होगा, फिर 29 मिलेगा, आगे आएंगे तो 31 आएगा, फिर इसके बाद 37 होगा, 41 बनेगा, 43 बन जाएगा। अगर यहाँ तक देखेंगे 1 से लेकर 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक संख्या और होती है जिसका नाम है 47। 15 संख्याएं 1 से 50 के बीच में होती हैं। फिर आगे आ जाएंगी तो 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। तो 10 संख्याएं हमें और आगे मिलेंगी। 47 के बाद आता है हमारा 53, फिर आएगा 59, फिर आगे आ जाएंगे तो 61 होगा, 67 होगा, उसके बाद 71 आता है, 73 हो जाता है, 73 के बाद 79 आता है, उसके बाद यानी 89 मिल जाता है, फिर हमारा 97 हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक संख्या और आती है, 79 के बाद हमारा 81, 83 एक मिल जाता है, सारी इसमें 1, 83 भी है। तो इस तरह से हमारी ये कुल 1 से लेकर 100 के बीच में कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे आते हैं, अब हम कुछ नियमों को जानते हैं जिसमें हमारा संवरक नियम क्या है, ये सभी चीज़ों को देखते हैं। तो हमारा पहला आता है इसमें नियम, संवरक नियम। मनोहर की किताब में हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो संवरक नियम में क्या होता है, जो पहली संख्या है अगर वही संख्या दूसरी हो और जोड़ने पर अगर वही संख्या तीसरी आ जाए तो इसको हम संवरक नियम कहते हैं। जैसे अगर पहली प्राकृतिक संख्या है, दूसरी भी प्राकृतिक है, और जोड़ने के बाद यदि प्राकृतिक आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, संवरक नियम कहेंगे। जैसे 1 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 3 आएगा, 1 भी प्राकृतिक होगी, 2 भी प्राकृतिक होगी, जोड़ने के बाद जो 3 मिला ये भी प्राकृतिक संख्या मिली। इसका मतलब है कि जो हमारा संवरक नियम होता है प्राकृतिक संख्याओं के साथ योग में कार्य करता है। फिर अगर हम बात करें पूर्णांक के साथ, अगर हम लेते हैं होल नंबर के साथ, चूँकि हमने यहाँ पाया कि ये हमारा n था, उसके बाद हमने w पाया था, फिर हमारा I बना था, I के बाद हम पाए थे Q बना था, और हमारा P बाहर था, और पूरे को मिला करके हमने R कहा था रियल नंबर। तो यहाँ अगर हम बात करें W में हमारा 0 से लेकर 1, 2, 3 डॉट डॉट होता है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो 0 + 1 = 1 आएगा, ये होल नंबर, ये होल नंबर, और जोड़ दिए तो होल नंबर आ गया। तो होल नंबर में भी हमने क्या पाया, संवरक नियम कार्य करता है। तो यानी ये बना हमारा संवरक नियम। तो संवरक नियम हमारा दो जगह कार्य करेगा, एक तो जोड़ में, यानी हमारी फर्स्ट नंबर जो होता है अगर वही नंबर सेकेंड आ जाए, यानी दोनों अगर हमारे प्राकृतिक संख्या हों, तो जोड़ने के बाद भी अगर वही तीसरा नंबर भी आ जाता है
इसको हम कहेंगे समवर्क नियम। अर्थात a प्लस बी बराबर, अगर दोनों पूर्णांक हैं तो ये पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है योग में समवर्क नियम कार्य करता है। दूसरा देखेंगे, अगर ये हमारी कोई पूर्णांक है और बी भी पूर्णांक है तो गुणा करने के बाद जो आता है ये भी हमें पूर्णांक मिल जाता है। इसका मतलब पूर्णांकों में जो समवर्क नियम होता है वह भी कार्य करता है। जैसे बात करें, एक गुणे दो होगा तो ये तीन आएगा, ये भी हमारा पूर्णांक बनेगा यानी इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर होगा, गुणा हमने किया तो ये भी इंटीजर बना। इसका मतलब समवर्क नियम जो होता है वह इंटीजर में भी कार्य करता है। अब हम देखेंगे किन किन में ये समवर्क नियम हमारा कार्य करता है। तो आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, जोड़ ले लेंगे, ठीक, उसके बाद घटाना ले लेंगे, घटाना, फिर आगे आ जाएंगे तो गुणा ले लेंगे, और गुणा के बाद हम भाग ले लेंगे, और चेक करेंगे किन किन संख्याओं में ये समवर्क नियम हमारा कार्य करता है। तो आगे आ जाएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि अगर मान लीजिए हम प्राकृतिक संख्या इसके साथ लेते हैं, तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में हम देखेंगे क्या जोड़ में काम करेगा। तो प्राकृतिक संख्याएं एक दो तीन डाट डाट होती हैं, इसका मतलब हो गया कि अगर एक में दो जोड़ेंगे तो ये हमारा तीन आएगा, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या, और ये भी प्राकृतिक संख्या होगी, जो तीन आया ये भी प्राकृतिक संख्या मिल गई। इसका मतलब जोड़ में प्राकृतिक संख्या कार्य करती है। दूसरा अंक भी यहाँ लिया जा सकता है, जैसे दो में तीन जोड़ेंगे तो ये पाँच आएगा, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, जोड़ने के बाद भी हमें प्राकृतिक मिला। इसका मतलब है जोड़ में हमारा समवर्क नियम कार्य करता है। फिर घटाना की बात करें तो अगर हम एक में दो घटाएंगे तो हमें माइनस एक मिलेगा, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन घटाने के बाद हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिली। इसका मतलब है इस घटाना में हमारी प्राकृतिक संख्या कार्य नहीं करती है। अगर यहाँ बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया तो एक माइनस दो बराबर माइनस एक आएगा, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं आई, इसलिए हमारा ये घटाना में ये समवर्क नियम कार्य नहीं करता है। अगर गुणा की बात करें तो गुणा में हम आएंगे, एक गुणे दो ले लेंगे तो ये दो आएगा, ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और दोनों का गुणा कर दिए तो दो आया, ये भी प्राकृतिक संख्या आ गई। इस तरह से किसी भी संख्या को लिया जाएगा, प्राकृतिक में प्राकृतिक का गुणा करेंगे तो हमेशा प्राकृतिक मिलेगा, यानी प्राकृतिक में जो समवर्क नियम होता है वह गुणा के साथ कार्य करता है। अगर भाग की बात करें तो एक भागे दो ले लेंगे तो यह एक बटा दो होगा बराबर 0.5 आएगा, और ये प्राकृतिक नंबर है, और भाग देने के बाद ये भी प्राकृतिक आया, लेकिन भाग देने के बाद जो उत्तर मिला ये प्राकृतिक संख्या हमारी नहीं मिली। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में जो समवर्क नियम होता है वह भाग के साथ कार्य नहीं करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि होल नंबर ले लेंगे जीरो, तो जीरो में ये हमारा कार्य करेगा, घटाना में आ जाएंगे तो नहीं कार्य करेगा, गुणा में भी कार्य करेगा और भाग में भी नहीं कार्य करेगा। तो ये हमारा जो प्राकृतिक संख्या के बाद जो होल नंबर आया, पूर्ण संख्या आई, वह केवल जोड़ और गुणा दो में ही कार्य करते हैं, बाकी में कार्य नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर हम ले लेंगे मान लीजिए इंटीजर पूर्णांक को, तो इंटीजर में हमारा चूँकि प्लस यानी और माइनस, जीरो प्लस माइनस सभी आते हैं, तो अगर यहाँ देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक में से दो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, तो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, और इसमें से घटाए तब भी इंटीजर मिला। तो इंटीजर के साथ ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कार्य करती है, जोड़ में तो कार्य करेगी, घटाना में भी कार्य करेगी और गुणा में भी कार्य करेगी, लेकिन एक बटा दो में अगर हम भाग देते हैं तो ये 0.5 आएगा, ये भी हमारा इंटीजर था, नीचे भी इंटीजर था, लेकिन हमने भाग दे दिया, ये इंटीजर नहीं मिला, पूर्णांक नहीं मिला, इसलिए हमारा भाग में ये जो इंटीजर होता है उसके साथ कार्य नहीं करता है। फिर अगर हम बात करें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में हमारा प्लस माइनस बटे दशमलव ये सभी आ जाते हैं, तो अगर हम मान लीजिए 1.2 में
2.5 को जोड़ते हैं तो 2 × 3 = 7 आएगा। तो ये भी हमारा परिमेय, ये भी हमारा परिमेय और जोड़ने के बाद भी परिमेय मिलेगा। इसका मतलब जोड़ में भी हमारी जो परिमेय संख्या होती है वह संवरक नियम का पालन करती है। घटाना के पास आएंगे तो 1.2 में अगर हम 2.5 मान लीजिए घटा देते हैं तो माइनस आएगा, दशमलव के रूप में आएगा अर्थात 1.3 आएगा। तो ये भी हमारा परिमेय, ये भी परिमेय, घटा दिए तब भी परिमेय मिल गया। इसका मतलब घटाना के साथ भी ये कार्य करता है। इसी की तरह अगर हम गुणा करेंगे तो देखेंगे हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी, तो गुणा में भी कार्य करेगा। और सॉरी, यहाँ गुणा में भी हमारा कार्य करेगा। अगर भाग में देखेंगे तो 1.2 में अगर हम 2.3 का भाग देंगे जो भी मान आएगा वो परिमेय ही आएगा। यानी क्यों, परिमेय में परिमेय का भाग देने पर परिमेय आता है, इसलिए ये भाग में भी कार्य करता है। तो संवरक नियम प्राकृतिक संख्या के साथ केवल जोड़ और गुणा में, पूर्ण नंबर के साथ जोड़ और गुणा में, फिर आएंगे अगला इंटीजर के साथ, पूर्णांक के साथ हमारा जोड़ में, घटाना में और गुणा तीनों में कार्य करता है। और अगर परिमेय संख्या ले लेंगे तो उसमें जोड़ में, घटाना में, गुणा में और भाग में सबके साथ कार्य करता है। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो हमें मिल जाएगा आगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में दो राशियाँ होती हैं जिसमें एक ए होता है दूसरा बी। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर ए प्लस बी ये बराबर होता है बी प्लस ए। जैसे कोई संख्या अगर हम क्रम को बदल करके जोड़ेंगे तो देखेंगे 2 + 3 = 5 होगा, 3 + 2 = 5 होगा। यानी जोड़ में जो हमारा क्रम विनिमय नियम होता है ये लागू होता है। अगर हम घटाना की बात करें तो यानी 2 - 3 = 3 - 2 करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो +1 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब जोड़ में तो कार्य करता है लेकिन घटाना में ये कार्य नहीं करता है। फिर अगर हम बात करें गुणा के साथ तो 2 × 3 ले लेंगे तो ये 3 × 2 के बराबर होगा, तो 2 × 3 = 6 होगा, 3 × 2 = 6 होगा। तो गुणा में भी ये हमारा जो क्रम विनिमय नियम होता है ये कार्य करता है। तो एक जोड़ में कार्य किया, एक गुणा में कर दिया। अगर हम भाग देखेंगे 2/3 तो ये 3/2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब हमारा भाग में क्रम विनिमय नियम कार्य नहीं करता है। तो 2 में कार्य किया तो 1 को हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम होगा। और नंबर 2 को कहते हैं हम गुणा का, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ये 2 नियम होते हैं। एक होता है योग का क्रम विनिमय जिसको हम a प्लस बी बराबर बी प्लस ए लिखते हैं, और गुणा के क्रम विनिमय नियम को हम a × b = b × a लिखते हैं। तो ये रहा हमारा क्रम विनिमय नियम। आगे आएंगे, अगला हमारा जो मिलता है वह बनता है सहचर नियम। और सहचर नियम में 3 होते हैं, a b और c 2 जोड़े जाएंगे तो अगले में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। यानी नंबर 1 होता है, इसी तरह से नंबर 2 आ जाएंगे तो हमें मिलता है a × b और × c बराबर होता है a × b × c। इसको हम कहते हैं गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। आइए हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले आते हैं योग का साहचर्य नियम में। जैसे 2 + 3 और अगर +4 ले लिया जाए तो 2 + 3 + 4 के बराबर होता है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, +4 हो गया। इसी तरह से 4 में 3 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 2 और 7 जोड़ देंगे तो ये भी हमारा 9 आएगा। यानी योग में सहचर नियम जो होता है वह कार्य करता है।
अगला आ जाएंगे गुणा के साथ, अगर हम ले लेंगे तो दो गुणे तीन और सारी यानी मिल जाएगा दो गुणे तीन, गुणे अगर हम चार करते हैं तो दो गुणे तीन गुणे चार के बराबर होना चाहिए, तो दो गुणे तीन को छः कहेंगे, गुणे चार होगा, यहाँ आ जाएंगे दो गुणे चार तियाई बारह हो जाएगा, तो छः चौक चौबीस मिलेगा और बारह दूना चौबीस मिलेगा, बराबर हो गया, यानी गुणा के साथ सहचर नियम हमारा कार्य करता है। तो क्रम विनिमय में दो आया और सहचर में भी दो आया, इसमें मिला था ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए, और दूसरा था ए गुणे बी बराबर है बी गुणे ए, यानी इसमें दो ही राशियां होती हैं, दोनों या तो प्लस या दोनों गुणा, इसमें तीन होता है, तीनों या तो प्लस होगा या तीनों के साथ गुणा होगा। आगे आएंगे, अगला हमारा बनता है वितरण नियम या बंटन नियम, तो आइए अब हम देखते हैं वितरण नियम या बंटन नियम किसे कहते हैं। तो वितरण नियम या बंटन नियम में हमें क्या मिलता है कि अगर दो राशियां हमारी जोड़ी गई हैं और तीसरे का इसमें गुणा किया जाएगा, तो दो राशियां जोड़ी जाएंगी और तीसरे का हम गुणा करेंगे और देखेंगे ये जो मान आते हैं वो आपस में बराबर होंगे, जैसे ए प्लस बी और गुणे सी होगा तो सी दोनों के साथ वितरित हो जाएगा, तो ए गुणे सी बन जाएगा, फिर सी का गुणा बी के साथ भी होगा तो बी गुणे सी बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि दो प्लस तीन अगर गुणे मान लीजिए पाँच हो जाए तो दो का गुणा पाँच के साथ होगा, फिर अगला आ जाएंगे तीन का गुणा पाँच के साथ होगा तो तीन गुणे पाँच हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे दोनों जोड़ेंगे तो पाँच गुणे पाँच होगा, यहाँ आएंगे पाँच दूनी दस होगा और पाँच तियाई पंद्रह बन जाएगा। अब अगला काम है पाँच का, पाँच में गुणा करेंगे पच्चीस आएगा और पंद्रह में दस जोड़ देंगे तो पच्चीस आ जाएगा। इस तरह से ये मान बराबर होते हैं, सॉरी इस तरह से आगे हम देखेंगे ये जो मान आते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है इसमें हमने पाया ए प्लस बी था और गुणे सी था, तो ए गुणे सी मिला, फिर प्लस मिल गया बी गुणे सी मिला, इसको कहा जाता है ये जोड़ा गया है तो इसको कहते हैं योग, पर यहाँ गुणा किया गया है तो इसको कहते हैं गुणनफल का वितरण नियम, वितरण या तो इसको हम बंटन भी कह सकते हैं, बंटन नियम। तो हमें क्या मिला, दो राशियां जोड़ी जाएंगी और तीसरे का गुणा होगा, तो गुणा वाली राशि दोनों के साथ जाएगी और इसको कहा जाता है योग पर गुणनफल का वितरण नियम या बंटन नियम। आगे इसी तरह से आएंगे तो इसका एक और होता है माइनस बी और गुणे सी होता है, सी दोनों के साथ वितरित हो जाएगा तो गुणे सी होगा, फिर आगे आएंगे तो माइनस बी गुणे सी होगा। इसमें भी अगर हम कोई मान लेके हल करते हैं, जैसे तीन माइनस दो गुणे मान लीजिए चार हो जाए तो तीन गुणे चार मिलेगा, तीन गुणे चार मिलेगा माइनस दो गुणे चार मिल जाएगा। तो यहाँ तीन में से दो घटाएंगे एक आएगा एक गुणे चार, तीन चौक बारह मिलेगा और चार दूनी आठ मिल जाएगा, एक का गुणा चार में चार हो जाएगा और बारह में से आठ घटाएंगे तब भी चार आएगा। इसको कहा जाता है अंतर पर गुणनफल का वितरण नियम, यानी ये नंबर एक था ये नंबर दो है और नंबर दो वाले को कहा जाता है अंतर पर गुणनफल का, गुणनफल का वितरण नियम, वितरण नियम या बंटन नियम। तो आगे अब हम कुछ और नियम को देखेंगे और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।